अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो भाई साहब, आज खुशी की न्यूज़ है। खुशी की न्यूज़ है कि जो हमारे पिजन्स हैं ना, इन्हों की हम लगाने वाले हैं जो ब्रीडिंग बॉक्स होता है वो लगाऊंगा। ब्रीडिंग बॉक्स तो मेरे पास है नहीं, क्योंकि इनका जो केज का साइज़ है ये भी छोटा है। अभी हम इनके अंदर कौन सी चीज़ें रखेंगे मैं आपको बताता हूँ। हम इनके अंदर रखेंगे ये वाला ट्रे जो नहीं होता, ये इसे गमले से निकाल के इनके अंदर रखेंगे। और इसके अंदर ये बच्चे करते मैंने सुना है, क्योंकि कल मैं बहुत कोशिश की, मैंने इसके अंदर जो थी आम की पेटी डालने की, पर नहीं गई। तो आज हम क्या करेंगे, पहले तो हमारे को ये करना है पिजन से पर निकालने, पर बहुत ज़्यादा बड़े हो गए फीमेल पिजन के। तो अभी मैं वो निकालता हूँ, पहले मैं मेल को निकाल देता हूँ बाहर। आ जाओ मेल, पहले मैं मेल को बाहर निकालता हूँ। फीमेल जो पिजन है उसकी पर भी काटेंगे, और उसके साथ जब पर निकालूंगा, काटूंगा नहीं बल्कि काट ही देता हूँ। पर निकालने से ये होता है पर आ जाते हैं, काटेंगे ना फिर कभी आएंगे नहीं। मैं निकाल देता हूँ पर, और बाकी इसकी सफाई करते हैं, उसके बाद हम लगाते हैं वो वाला सामने। फिर उसके बाद उसके अंदर हम रखेंगे नेस्टिंग बॉक्स, और उसके अंदर नेस्टिंग रखेंगे, फिर अंडे बच्चे करेंगे इंशाल्लाह। आह आह आह, अभी मेल आएगा खुद ही। आह 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 आह, हमारे को मेल को निकालना है। अबे तू नहीं आई हो इधर, अब इसको पकड़ते हैं हाथ में, तो आ जा। ओए ओए ओए, तो अभी मैं इसके पर काटता हूँ। तो भाई साहब, फीमेल के मैंने पर काट दिए हैं, और अभी मैं इसको छोड़ता हूँ अपने मेल के पास। फिर भी उड़ रही है थोड़ा थोड़ा, मैंने आधे से ज़्यादा इसके पर काट दिए, वो तो कभी नहीं उड़ेगी। पहले उड़ के वहाँ पे जाके बैठ रही थी, अभी ये नहीं उड़ेगी। अभी ठीक है, अभी डर हमारा ख़त्म हो गया। और मैंने इसके पर ये काट दिए, थोड़े थोड़े से काटे, इतने काले नहीं। अगर मैं निकालता ना फिर जो है ना इस सुंदर नहीं लगते। यहाँ पे दाना पड़ा है ना, अभी सुकून से दाना खा रहे हैं। और हमारे को क्या करना है, अभी इन्हों का जो है ये वाली शीट निकाली है, और इसकी सफाई करनी है। पहले मैं सफाई करता हूँ, फिर उसके बाद वहाँ से मैं एक पाउट उठाऊँगा जिसके अंदर ये अंडे बच्चे करेंगे। उसके अंदर हमें घास रखेंगे, नेस्टिंग मटेरियल नरम सी जगह बनाएंगे जहाँ पे अंडे बच्चे करेंगे, क्योंकि इनका जोड़ा लग चुका है। अभी हमारे जो कबूतर हैं वो मैंने खोल दिया यहाँ पे, और दाना पड़ा हुआ है रिंगने का वहाँ पे। तो रिंगने दाना बचा देते ना, मैं वहाँ सामने फेंक देता हूँ, वहाँ पे सुकून से खाते हैं। अभी अपने परों को सेट कर रहे हैं, जब तक हम इनका जो है यहाँ पे ब्रीडिंग सेटअप तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों, फाइनली हमारे कबूतरों का ब्रीडिंग सेटअप बन गया, रेडी हो गया है भाई साहब। मैंने इनके केज की भी सफाई कर दी, और इनका ब्रीडिंग सेटअप बना दिया। ब्रीडिंग सेटअप में हम लोग आपको दिखाता हूँ कुछ इस तरीके से बना है भाई साहब। इधर मैंने एक बड़ा सा ये पाउच रख के उसके अंदर ये मैंने नेस्टिंग मटेरियल लगा दिया, जैसे नरम जगह होगी ना हमारे कबूतर जैसे सुकून पे अंडे करेंगे। यहाँ पे मैंने स्टिक लगी हुई थी ना, यहाँ पे लगाई थी पहले, तो अभी वो ना मैंने इधर से निकाल दी है यार, क्योंकि इधर ऊपर स्टिक लगी हुई थी ना, यहाँ पे बीटें गिरती तो मज़ा नहीं आता। तो अभी ये सामने मैंने यहाँ पे एक स्टिक लगा दी, जहाँ पे रात के टाइम हमारे कबूतर सुकून से आके बैठेंगे, और दिन के टाइम अपने इस घोंसले में जाके बैठेंगे। तो अभी अपने कबूतरों को करते हैं और अंदर, चलो यार बाहर घूमते रहे, खुद ही अंदर चले जाएंगे, सरप्राइज मिल जाएगी। अभी हमारा दूसरा कबूतर कौन सा, वोरा सामने बैठा हुआ है, ये देखो ऊपर चढ़ी हुई है हमारी माँ जी। चलो खाओ यार, इन्हों को सरप्राइज मिल जाएगा यार, जब ये अपने घर के अंदर जाएंगी ना इन्हों को सरप्राइज मिल जाएगा। भाई अचानक से हम बाहर गए, और अचानक से नेस्टिंग मटेरियल हमारा आ गया, और अभी हमारे को अंडे देने, बाकी कचरा ये निकला है भाई इन्हों के केस से। और मैं आपको एक मज़े की चीज़ दिखाता हूँ, मज़े की चीज़ ये है कि इन्हों के साथ साथ हमारी जो है ना फिंचेस ने भी नेस्टिंग अपनी कंप्लीट कर दी। ये देखो यहाँ पे भी लगी हुई है, इस मटकी के भी अंदर नेस्टिंग कंप्लीट हो गई है, और सामने वाले अंदर कंप्लीट हो गई, अभी थोड़ी सी रहती है। अभी मैं और भी लाऊंगा, और भी मैं इन्हों को अंदर डाल दूंगा नेस्टिंग मटेरियल, जैसे ये और भी अपना जो है ना घोंसला पक्का कर दें, और अंडे बच्चे वहाँ पर करें।
अभी बारी आ चुकी है अपने पिजन्स को उनके घर के अंदर छोड़ने की मतलब नहीं, उनको मैं लेके जाऊंगा। किटी 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 ऐसे करता हूँ, खुद ही चले जाते हैं किटी। अभी तो मेरे को डर भी नहीं है, वैसे ये उड़ जाती थी वहाँ पे। किटी 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 अभी ये जा रही है अभी ना इसको सरप्राइज मिलेगा, वो देखो परेशान हो गई घर के अंदर कौन सी चीज़ आ गई है। किटी 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 किड़ 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 जा रही जा रही जा रही। ये चले गए माशाल्लाह से। अभी वो देखो सामने मेल, अभी देखना आवाज़ें करेगा फीमेल के आगे, गोल गोल घूमेगा, गुर गुर करेगा। मेरे ख्याल से उसको देखिए परेशान हो गए जो हमने नेस्टिंग मटेरियल लगाए ना। देख रही फीमेल, देख रही क्या होगा। मैं बाहर अभी अभी गई थी, अचानक से मेरा ये घर का सारा सेटिंग ही चेंज हो गई है। अभी इसको पता नहीं है कि मेरे को इसके अंदर अंडे बच्चे करने। वो देख रही है कि ये मेरे लिए इसने चीज़ रखी हुई है कोई। अभी सेट हो जाएंगे कुछ ही देर के बाद। अभी इसको मैं जाके बंद कर लेता हूँ, नहीं तो ये बाहर निकल आएंगे। ये पानी में रख लेता हूँ, आ जाओ। ये पानी भी तुम्हारा मैं रख लेता हूँ इधर, ये इधर। चलो चलो यार, ये भी काम हो गया हमारी जो है। इनों को नेस्टिंग मटेरियल भी मिल गया है और इनों को नेस्टिंग अपना बॉक्स भी मिल गया। यार मैं इसको क्या बोलूँ, नेस्टिंग बॉक्स तो ये है नहीं इसके अंदर, खाली ऊपर से ये लगे हुए तिनके छिलके। अभी नेस्टिंग बॉक्स है, अभी आपने कमेंट बताना इसको क्या बोलते हैं, कबूतर वाली टोकरी बोलते हैं। अभी हमारी फीमेल ऊपर जाके बैठ गई है, इनों को अभी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते, ये अपना पैर बनाएंगे और कुछ दिनों के बाद ये हमारे को सरप्राइज दे देंगे। और दोस्तों आज जो है ना, मैंने सारे बर्ड्स को ना स्प्रे किया था, अपने रिंग नेक्स को सारों को मैंने स्प्रे कर दिया था, पानी लगा दिया, क्योंकि आज जो है ना गर्मी थोड़ी ज़्यादा है। और आपको मैं एक दूसरी चीज़ दिखाता हूँ, कुछ दिन पहले आपको याद होगी ये कितना पत्ता था, इतना सा था, और आज देखो कितना ज़्यादा बड़ा हो गया। ये आराम आराम से जो है ना बहुत ग्रोथ हो रही है भाई, जल्दी जल्दी से हो रही है, आराम से नहीं। ये देखो ये यहाँ से टेन ही निकल रही है एक, ये लंबा भाई ये ऊपर तक जाएगा 100% बोल रहा हूँ, ये ऊपर तक इस दफ़ा ये बेल जाएगी। जैसे हमारी वो वाली गई है ना, ये वाली इस दफ़ा ये वाली जाएगी, क्योंकि अभी इधर धूप भी आना स्टार्ट हो गई। पहले सर्दियों में इसको धूप नहीं लगती थी, इसकी वजह से ये बेचारी बिल्कुल गल सर गई थी। अभी ये बिल्कुल सही हो गई है, अभी कुछ दिनों के बाद, कुछ मंथ के बाद बल्कि ये फिर से अपना ग्रो करेगी और ऊपर तक चली जाएगी। तो यार इसी के साथ वीडियो में यहीं पेंड करता हूँ। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और बाकी कबूतर अभी देख रहे हैं कि हमारे घर में कौन सी चीज़ आ गई है, कुछ दिनों के बाद सेट हो जाएंगे बाकी मिनी सेटअप। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। लाइक सब्सक्राइब ठोक के कर दो।